में हमारे साथ हैं हरे राम जी। हरे राम जी, आपका जो ये प्रोडक्ट है अश्वेदा, इसके बारे में आप क्या थोड़ा बताएं हमें। सर, अश्वेदा एक लग्जरी प्रीमियम ब्रांड है और इसके अंदर हम लोग वेलनेस, स्किन सभी प्रोडक्ट बना रहे हैं और आयुर्वेद में एक नया नवाचार लेके आए हैं हम लोग। आयुर्वेद के अभी तक क्या है, मास कैटेगरी के अंदर लोगों ने काफ़ी अच्छे से एक्सेप्टेंस किया हुआ है, लेकिन क्लास कैटेगरी में अभी भी काफ़ी गैप्स है, क्योंकि उनको थोड़ा सा क्वालिटी पे, उसका फ्रेग्रेंस पे, उसकी पैकेजिंग पे और वो सब चीज़ों पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क रहते हैं। तो उस चीज़ों को, जो गैप्स है, उस गैप्स को हमने फील करने का प्रयास किया और बहुत ही अच्छा प्रीमियम लग्जरी आयुर्वेदा ब्रांड हम लोग लेके आए हैं। 2019 में हमने इसका शुरुआत किया था कोविड के बाद में। उसके अंदर हम लोग सारे के सारे वेलनेस प्रोडक्ट बना रहे हैं, वेलनेस के अंदर भी सारी डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, कैप्सूल, टैबलेट और पाउडर, लिक्विड, ऑयल, ऑइंटमेंट, च्यवनप्राश, और इसके अंदर कई नई कैटेगरी में हम लोग लेके आए हैं, जिसके अंदर आपका स्किन केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास, वेल जैसे आपका जेल हो गया, क्रीम हो गया, शैम्पू हो गए, तो ये सारी सब चीज़ लेके हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। और हमारा जो ब्रांड है अश्वेदा, इसका हमारा विज़न मिशन ये है कि हमारे कंपनी के स्टोर ऑल ओवर इंडिया में हम लोग जितने भी अच्छे मॉल्स हैं उसके अंदर हम लोग लेके आएँ। जैसे अभी हमारे स्टोर ऑलरेडी जयपुर WTP मॉल में है, मॉल ऑफ जयपुर में है, फिनिक्स मुंबई में अभी ओपन हुआ है हमारा, सेलेक्ट सिटी दिल्ली में है, और ऑनलाइन हम लोग सब जगह अवेलेबल है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और आपका टाटा 1MG। और जो अभी आप कोविड की बात कर रहे हैं, कोविड से पहले लोगों का रुझान आयुर्वेद में कम था, अब कोविड के बाद में ज़्यादा बढ़, धीरे धीरे कोविड के बाद आयुर्वेद में रुझान बढ़ रहा है, तो आयुर्वेद के बारे में आप थोड़ा कुछ डिटेल में बताएं कि क्या मतलब। कोविड के बाद में इसका रुझान बढ़ने का सबसे बड़ा मेजर कारण यह है कि आयुर्वेद हमारा पुराना पेथी है, हमारा एक जैसे 5000 साल पुराना हमारा आयुर्वेद एक सब कुछ इसके अंदर, सब जिसको बता सकते हैं कि इसमें सब कुछ इनबिल्ट है, सब चीज़ें आयुर्वेदा से ही निकली है, जितना आज मार्केट के अंदर जो चल रही है, क्योंकि आयुर्वेदा हमारे घर से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आयुर्वेदा के अंदर हम लोग बात करें तो लोगों को इतनी एजुकेशन ज़्यादा कोविड के पहले इतनी नहीं थी, या लोगों ने उसमें इतनी ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रहे थे, लेकिन जब कोविड आया तो कोविड में लोगों के पास में समय भी था और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी सामने आई, तो लोगों को लगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो लोगों को ये लगा कि एलोपैथी और ये बाकी बहुत सारी पैथी के अंदर इसका बहुत ज़्यादा कोई इलाज है नहीं, लेकिन आयुर्वेदा के अंदर लोगों को बहुत सारे इसमें आसार, स्कोप लगा कि इसके अंदर इसका पूरा सॉल्यूशन मिल सकता है। तो लोगों ने आयुर्वेदा के अंदर रुझान किया और वहाँ पर जाके उन्होंने देखा, रॉ हर्ब्स इन्होंने यूज़ की, घर में ही जो चीज़ें यूज कर रहे हैं लोग उन्हीं को भी थोड़ा सीरियसली लेके, उनसे ही थोड़ा सा काढ़ा वगैरह बना के और अपने लेवल पर ही छोटी मोटी जितनी जानकारी मिली उनको, या जितने भी हमारे आयुर्वेदा में वैद्य हैं उन लोगों से उनकी मुलाकात हुई, उनसे थोड़ी लोगों ने डिटेल से बातचीत करी, तो लगा कि यार हाँ, हमारा जो भारतीय संस्कृति और हमारा आयुर्वेद तो मेन मतलब मूल है, हम तो आयुर्वेद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आयुर्वेद हम इंडिया में जितना यूज़ नहीं कर रहे हैं उतना तो और बाहर के देशों में लोग यूज़, बाहर कंट्रीज़ में इसका इतना चलन हो गया और वहाँ पे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे लोग इसको समझने लगे हैं। तो कोविड के बाद में लोगों में इसका बहुत ही अच्छी अवेयरनेस हुई है, लोग इसके बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आयुर्वेद को कैसे अपने जीवन में उतार के और कैसे अपनी लाइफस्टाइल को बेटर से बेटर कर सकें। जैसे आपने कहा कि हम एक जो प्रोडक्ट ला रहे हैं वो एक क्लास के लिए ला रहे हैं, तो अगर मैं आयुर्वेद की बात करें तो लोगों के, जैसे आयुर्वेद की अगर कुछ भी लाना है मुझे, तो एक पंसारी की दुकान दिमाग में सीधे आती है कि चलो वहाँ पंसारी की दुकान पे वो मिल जाएगा। अगर कोई चीज़, जैसे कि आपने मुझे कुछ बताया कि ये यूज़ ले लेना, तो मेरे दिमाग में सीधे आएगा कि पंसारी की दुकान पे गया और लेके आ गया। लेकिन एक्चुअल में क्या, आयुर्वेद को पहले लोग ऐसे ही रिलेट करते थे कि बस ठीक है, पुड़िया में कुछ सामान होगा या कुछ छोटा मोटा वैसे होगा, लेकिन आयुर्वेद इतना, जिसको ऐसे कह सकते हैं कि सस्ता भी नहीं है, आयुर्वेद वाकई में ही बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही, जो जिसको कह सकते हैं, बहुत इसकी अपने आप में कॉस्टली या इसका जो वर्थ है बहुत ज़्यादा है। तो उसको हमने लोगों को ये प्रेजेंट किया है कि आयुर्वेद इतना, जितना वो सोचते हैं कि ठीक है नॉर्मली ऐसे जड़ी बूटी होगी और ठीक है ऐसे पुड़िया वगैरह में थोड़ा बहुत पैक करके और छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम है तो ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के अंदर वाकई में हर चीज़ का बहुत सॉल्यूशंस है, हर चीज़ की इसके अंदर हर चीज़ की मेडिसिन है और हर रोग का उपचार है आयुर्वेद के अंदर। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे आप किसी भी लाइलाज बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो आयुर्वेद अपने आप में इंटायर, जिसको कह सकते हैं ना, बहुत बड़ी एक रेंज है। तो इसके अंदर हम लोग आयुर्वेदा में, आपने जैसे बताया कि लग्जरी, तो लग्जरी का मतलब मेरा ये है कि जैसे हमने इसको पैकेजिंग को लेके, इसकी क्वालिटी को लेके या इसकी नेचुरल,
हमने जैसे अलग हमारा ये है कि जैसे मान लो आयुर्वेदा में पुराने टाइम पे जो हम लोग देखते हैं हमारे वेद जी जितने भी पुराने वेद जी थे तो उनके पास में सारा सामान वगैरह जो जड़ी बूटी वगैरह रोहा जो ग्लास के पैकेजिंग में होता है, तो हमने जितने भी पैकेजिंग वगैरह में हमने इसकी पैकेजिंग वापस एक ग्लास की बोटल्स में ही, चाहे कैप्सूल हो चाहे अपना लिक्विड के अंदर प्रवाही क्वाथ वगैरह है या च्यवनप्राश वगैरह है, ये सारी चीज़ों को हमने इसको बढ़िया से एकदम जो एंशियंट आयुर्वेदा का जो हमने इसके अंदर पूरा का पूरा लुक एंड फील देने की कोशिश करी और लोग इसको बहुत ही अच्छे से पसंद भी कर रहे हैं और लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे पैकेजिंग और ये सब हमारे प्रोडक्ट वगैरह देख के यार कि कोई इंटरनेशनल कंपनी है, इंडिया की कंपनी है। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन ये देखा तो फिर हाथ में लिया फिर ग्लास पूरा ग्लास का है। शुगर फ्री च्यवनप्राश बिल्कुल, इसमें ऐसा क्या है कि मतलब ये हमने इसके अंदर शुगर फ्री च्यवनप्राश जैसे आज लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को शुगर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग अपने आप को थोड़ा सा शुगर से वो अवॉइड करते हैं कि भाई शुगर मुझे कम से कम इंटेक करना है, तो हमने इसके लिए एक बढ़िया सोल्यूशन दिया लोगों को शुगर फ्री च्यवनप्राश बनाया है और इसका लोगों में अच्छा। शुगर फ्री तो मतलब क्या इसमें क्या मीठा बिल्कुल नहीं है या फिर क्या? हाँ स्टीविया वगैरह और अल्टरनेट्स जो होते हैं शुगर, हाँ स्टीविया जो बिल्कुल नेचुरली जो है सोर्सेज हैं जो बिल्कुल मीठा के जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो यूज़ किए हमने बिल्कुल। तो इसको ये सारे ये प्रोडक्ट्स हैं आपके, ये प्रोडक्ट हमने अभी तक जो प्रोडक्ट देखे वो वेलनेस के प्रोडक्ट है, ये हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट है, ये अभी कुदरत करके हमने एक नई रेंज लॉन्च की रही है जो हेयर फॉल एंट्री डेंड्रफ और वो सारा उसके लिए, क्योंकि आजकल जैसा देखा जा रहा है कि हेयर फॉल और एंट्री डेंड्रफ बालों की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, नई रेंज लॉन्च की है तो इसको कैसे यूज़ लेना मतलब क्या? जनरली आप थोड़ा सा निकाल के और बालों पे आप प्रॉपर जैसे नहाने से पहले और नहाने के बाद दोनों तरह से इसकी पूरी लगाने की विधि है उस तरह आप इसको अप्लाई करेंगे तो प्रॉपर आपको बहुत ही अच्छे बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन में थोड़ा बताएं। जैसे काफ़ी अच्छी अच्छी जितनी भी जो तिल ऑयल जैसे इसके अंदर है, कोकोनट्स है और सफ़ेद चंदन है और काफ़ी चीज़ों का हमने इसमें जटामानसी है ना, ये सब चीज़ों का हमने इसके अंदर पूरा उपयोग किया है और इसके अंदर रो हर्ब जड़ी बूटियों को हमने इसके अंदर भी डाला है तो लोगों को लग के देख के लगे हाँ कि जैसे इसके अंदर नीम है तो वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर भी डाली है तो लोगों को एक फील आया आयुर्वेदा को लेके कि हाँ ये प्योरली आयुर्वेदा है और इसको हम बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं। जो मॉडर्न मेडिसिन चल रही हैं और आयुर्वेद की जो मेडिसिन चल रही हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब क्या फ़र्क मेडिसिंस, मतलब जैसे आज कुछ होता है तो मुझे चाहे मॉडर्न ले लो या आयुर्वेद ले लो ये इसमें क्या फ़र्क है? मॉडर्न्स में जैसे क्या आप एलोपैथी की बात कर रहे हैं? हाँ एलोपैथी के अंदर क्या है उनका एक पर्टिकुलर एक एरिया है वो ओनली फॉर एक्टिव पे ही काम करते हैं, उनका एक प्रॉपर एक सेगमेंट्स है उसी पे काम करते हैं, लेकिन हम लोग आयुर्वेदा के अंदर हम लोग नेचुरल चीज़ों पे काम करते हैं, प्योर जितनी जड़ी बूटियाँ हैं हर्ब्स है सारा का सारा जो मान लो प्राकृतिक है वाइल्ड कलेक्टेड, जैसे हम लोग रॉ हर्ब यूज़ करते हैं आंवला करेला जामुन ये सब चीज़ें तो सब वाइल्ड कलेक्टेड और बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल जो बिल्कुल पेस्टिसाइड फ्री हो तो वो सब यूज़ करते हैं, तो उसके जो नेचुरल चीज़ों के जो नेचुरल एकदम जो देखने को मिलते हैं इसके बहुत सारे अच्छे प्रभाव हैं अपने आप में, तो उन चीज़ों को लेके हम लोग काफ़ी अच्छा इसके अंदर कर रहे हैं। और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे मान लो एलोपैथी की बात करें तो वो लोगों का एक एक क्राइटेरिया उसी के अंदर बात करते हैं काम करते हैं और उसके फिर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं क्योंकि वो एक जस्ट लाइक एक साइंस के व्याप पे ही काम करते हैं, तो उसमें जैसे जैसे साइंटिफिकली जो चीज़ें वो होती रहती है उसके हिसाब से वो अपने आप को प्रमोट करते हैं और उसके अंदर क्या कुछ टाइम बाद उनको पता चलता है कि ये चीज़ हमने कोई प्रमोट करी या नहीं इनोवेट करी उसके अंदर ये साइड इफ़ेक्ट भी है, मतलब पहले जैसे ही उनका कोई दवाई या कोई भी नई ड्रग्स आती है तो उसके कुछ साल बाद पता चलता है कि इसके ये साइड इफेक्ट इसके इफेक्ट तो है लेकिन इसके ये साइड इफेक्ट है, लेकिन आयुर्वेदा के अंदर हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि यहाँ पर कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप प्रॉपर तरीके से वेद जी के उसके अंदर आप उनकी परामर्श से अगर ये लेते हैं तो इसके अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं, जैसे आपने वेद जी के परामर्श वेद जी के मतलब एक वेद जी की बात आती है और आपने जैसे कि आप कंपनी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आप लोग भी कोई वेद जी बैठाते हैं कि भैया हमारे इन हाउस पूरा वेद जी वगैरह रहते हैं बिल्कुल, आप जिनसे परामर्श करके और पूरा डिस्कस कर सकते हैं तो जिसके उस हिसाब से ही वो बताते हैं कि आपको कौन से प्रोडक्ट बिल्कुल। कुछ ओटीसी प्रोडक्ट होते हैं जनरल जैसे मान लो क्रीम जेल शैम्पू तो वो आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं और कुछ क्या अपने क्रीम जेल्स और ये सब हैं या क्या हैं ये हेयर कंडीशनर है। अच्छा बिल्कुल हेयर कंडीशनर है ये कंडीशनर में अलग फ्लेवर में है, ये फेस वॉश है ना, ये आपका नायाब हमारा बॉडी लोशन वगैरह है, तो इसके अंदर हम लोग स्किन में भी काफ़ी नई नई पूरी रेंज लेके आए हैं। ये आप प्रोडक्ट देखिए कोकोनट ऑयल हो गया हमारा। अच्छा कोकोनट ऑयल और हेयर मसाज ऑयल हो गया, हेयर मसाज बादाम ऑयल हो गया बिल्कुल। तो आयुर्वेद ये शॉप है, शॉप ओपन
ये सारे प्रोडक्ट हम लोग, ये आपके प्रोडक्ट का शॉप है, बिल्कुल टेस्टर होगा अपने बारे में, एकदम प्योर नेचुरली। आप ये देखिए एकदम प्योर नेचुरली, इसका आप फ्रेगरेंस करके देखिए तो आपको लगेगा हाँ एकदम नेचुरल खसका फ्रेगरेंस है, बिल्कुल एकदम नेचुरली। आप हमें बताएं कि जो आयुर्वेद को अपने डेली रूटीन में कैसे लेके आ सकता कोई? आयुर्वेद को डेली रूटीन में लेके आ सकते हैं लोग, एक जैसे जस्ट लाइक डेली रूटीन में जैसे आदमी उठता है तो अपने घर से ही सबसे पहले स्टार्ट करता है कि वो पहले तो नॉर्मली गुनगुना पानी पी के और अपने आंवला का प्रयोग कर सकता है, एलोवेरा ले सकता है, तो जनरली वो जैसे ही मॉर्निंग वॉक वगैरह थोड़ा करता है, थोड़े योगा प्राणायाम करता है, तो उसके अंदर क्या है अपने आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो एलोवेरा, आंवला, त्रिफला, करेला, जामुन, जिसको आप तो उसे एक सर्टेन मात्रा के अंदर वो मॉर्निंग में ले सकता है और उसको डेली रूटीन में लेके आ सकता है। और उसके अलावा हम लोग आयुर्वेद के अंदर जितने भी लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए प्रोडक्ट भी सारे बना रहे हैं, जैसे क्रीम, जेल, शैम्पू, ये वो सब चीज़ें भी आयुर्वेद की वो सब यूज़ कर सकता है। तो इसके अंदर हम लोग बिल्कुल केमिकल फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री और प्योरली जिस ऑर्गेनिक कह सकते हैं आप या प्योर बिल्कुल नेचुरल कह सकते हैं जिनको, तो वो सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी बना रहे हैं। तो वैसे कहते हैं कि किचन के अंदर ही पूरा आयुर्वेद बसा हुआ है, जो घर की मतलब महिला है वो जो खाना बनाती है तो वो पूरा आयुर्वेद से कर सकती है, तो वो उस चीज़ को कहाँ हम लोग मिस कर रहे हैं कि जो हम लोगों को प्रोडक्ट लाने पड़ रहे हैं फिर और ये सब करना पड़ रहा है, ऐसा क्या उस चीज़ के लिए? आज की जो लाइफस्टाइल है लोगों की, जो भागदौड़ है, उसके अंदर आदमी के पास में इतना टाइम नहीं होता कि वो सब चीज़ों को घर पे ही रेसिपी बनाए और ये सब करे, क्योंकि हम लोग पूरा इसके सब हमारे जितने वेद जी वगैरह उनसे हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह करते हैं इसके लिए, लेकिन हम बोलते हैं कि उसके अंदर रेसिपी भी देते हैं कि ये आप धनिया बिल्कुल लीजिए, शाम को इसको पानी में भिगोइए और सुबह पीजिए तो आपको थायराइड नहीं होगा, आप गोखरू का पानी पीजिए, आप करेला का रस निकाल सकते हैं, जामुन का रस निकाल सकते हैं, एलोवेरा का निकाल सकते हैं, आंवले का, लेकिन वो आदमी के पास में इतना टाइम नहीं होता और वो सब चीज़ें सोर्सिंग करके लाना और उसके ऊपर में करना तो उतना नहीं होता, तो फिर हम उसके लिए एक प्रॉपर वेल मैनेज्ड प्रॉपर तरीके से एक प्रोडक्ट बना के उसको देते हैं जिससे कि वो उसको यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर उसमें डोजेस फॉर्म के साथ देते हैं। आप लोग जैसे आप एलोवेरा और ये सब की बात करते हैं तो क्या हमारी कंपनी उस चीज़ को भी, आपकी कंपनी है आपके एलोवेरा और ये सब या फिर बाद में? बिल्कुल हाँ, हम लोग ये सब करवाते हैं, एलोवेरा और ये सारा सब हम लोग कल्टीवेटेड फार्मर के साथ में भी वो करते हैं टाई अप, और फार्मर से बहुत सारे राजस्थान के किसान हैं जिनसे हम लोग जड़ी बूटी वगैरह लेते हैं, आंवला, त्रिफला, करेला, नीम, जामुन, बबूल, ये सारा सब तो राजस्थान के अंदर बहुत बढ़िया क्वालिटी के होते ही हैं, तो एलोवेरा तो राजस्थान का सबसे फेमस माना जाता है। तो भी क्या आप किसानों को भी अवेयर करते हैं कि ऑर्गेनिक करना है या फिर वो जो भी उगाते हैं वो आप लोग लेते हैं? या बिल्कुल अवेयर करते हैं हम लोग कि 3 साल तक आपको अपने खेत के अंदर कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना है, उसके बाद 3 साल तक वो उसमें यूज़ नहीं करते हैं, फिर हम लोग उसकी रिपोर्ट लेते हैं, फिर वहाँ से वो सब उनकी रोहर वगैरह है जो भी हम प्रिकोर करके हम लोग लेते हैं, पूरा हमारे पास में टेस्टिंग जो भी रॉ मटेरियल आता है उसका प्रॉपर हम लोग हमारी लैब में टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही हम लोग जब वो अप्रूव हो जाता है उसके बाद हमारी दवाइयों में यूज़ देते हैं उसको। तो जो किसानों को जैसे कि आज अगर मैं 1 बीघा में अगर 10 बोरियाँ गेहूँ की हो रही हैं और 3 साल जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब कोई भी छिड़काव नहीं करना तो उसकी पैदावार कम होती है, तो उसका जो नुकसान होता है उसको क्या आप लोग? नहीं, उसके लिए जैसे जनरल वो कोई भी अगर कुछ उगाएगा तो उसके अंदर इतना बेनिफिट नहीं होता जितना कि इसके अंदर उसको बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या जड़ी बूटी है तो उसकी मूल्य जो है नॉर्मल नेचुरली जो फसल करेगा उससे बहुत अच्छे कॉस्ट वगैरह काफ़ी अच्छी मिलती है और उनको अच्छी ग्रोथ मिलती है इसके अंदर। साल में जिस हिसाब से किसान 1 लाख रुपए कमाता है और आपके जैसे जड़ी बूटियाँ ये सब उगाने के बाद उसको कितना मतलब बेनिफिट होता है कि 1 लाख से 2 लाख 3 लाख कितना मतलब? उनको लगभग किसी को डबल या किसी को 3 गुना तक के बेनिफिट मिलते हैं ऑलरेडी जो लोग जड़ी बूटियों पे जो थोड़े अवेयर हुए हैं जो ऑर्गेनिक पे जा रहे हैं, और उनको भी पता चलता है कि यार हमारी ज़मीन ऑलरेडी, वो लोग भी एग्री हो जाते हैं कि हमारी ज़मीन ऑलरेडी ख़राब हो गई, पेस्टिसाइड यूज़ किया हमने, ये यूज़ किया, वो यूज़ किया, अब हम लोग ऑर्गेनिक करते हैं या नेचुरल खाद यूज़ करते हैं, सॉयल कंडीशनर नेचुरल जितने भी ऑर्गेनिक सॉयल कंडीशनर आते हैं वो यूज़ करते हैं, तो उससे उनकी ज़मीन की जो क्वालिटी है, सॉयल की क्वालिटी है, वो भी एकदम निखर के आती है, तो वो लोग भी एग्री होते हैं कि हम लोग करना चाहते हैं, अगर हमारा ये हो जाता है तो हम लोग बिल्कुल इसके ऊपर में काम करेंगे 100%। उससे कैंसर भी जिस हिसाब से काफ़ी डिजीज वगैरह की जो आज मार्केट के अंदर चलन है तो वो उससे उनको भी लगता है कि यार ये चीज़ें काफ़ी ख़राब है। तो जैसे मार्केट में ऑर्गेनिक के नाम पर इतने प्रोडक्ट आ रहे हैं, अगर आज जनरली हम बात करते हैं कि सब ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक है, तो हमें कैसे पता चले कि रियल में ये ऑर्गेनिक है या नहीं है? नहीं, जो कोई भी अच्छी कंपनी होगी उनके पास में एक प्रॉपर लैब होगी, टेस्टिंग पैरामीटर होंगे उसका, एक अपने आप में सारा व्यवस्था उसके पास सब सिस्टम होगा, तो उनका प्रॉपर आराम से जैसे आप बता रहे हैं लैब होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं जनरली
किसी शॉप पे गया और शॉप वाले ने कहा कि ये तो ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, अब मुझे क्या पता कि उस कंपनी के पास लैब है नहीं है, तो उस चीज़ को कैसे हम लोग कस्टमर तो जज नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जैसे आयुर्वेद डिपार्टमेंट हम लोग आयुष की परमिशन लेते हैं, उसके बाद ही प्रोडक्ट प्रिक्योर करते हैं, आज फूड डिपार्टमेंट जब बना हुआ है तो अगर ऐसा कोई भी गलत काम करता तो फूड और आयुर्वेद डिपार्टमेंट उस पर एक्शन लेते हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम लोग अच्छी कंपनीज जो है रेपुटेड कंपनीज है वो अच्छा ही काम करती है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर ही काम करती है, तो ये सब धन्यवाद।